हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये है नोड एमसीयू ESP8266 बोर्ड, और इस बोर्ड का यूज़ करके हम बनाने वाले एक वाईफाई कंट्रोल कार। और इस कार को बनाना काफ़ी इजी है, आपको आगे वीडियो में हर चीज़ की डिटेल मिल जाएगी। तो भी चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो ये है कंपोनेंट जिसका यूज़ करके हम बनाने वाले इस कार को, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक सर्किट बना लिया है 0 PCB पे। इसका पर्पज़ ये है कि मेरे को थोड़े आसानी होगी इसे कनेक्ट करने में भी, और ये कुछ अच्छा भी दिखेगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रोबोट कार है उसका ये सर्किट है वो कॉम्पैक्ट भी रहे, और हम इसमें को फ्यूचर्स प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सके। तो मैं आपको चलिए समझा देता हूँ पहले कि इसमें मैंने क्या क्या कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो कि मैंने कुछ हेडर पिंस कनेक्ट किए। यहाँ पर है फीमेल हेडर पिंस और ये है मेल हेडर पिंस। जो है फीमेल हेडर पिंस है, यहाँ पर जो हमारे नोड एमसीयू है ये कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर जो मेल हेडर पिन से, इसका पर्पज़ ये है कि अगर हम फ्यूचर्स में इस रोबोट के साथ आयर सेंसर या फिर अल्ट्रासोनिक या फिर सर्वो मोटर कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि लाइन फॉलोइंग, ऑब्जेक्ट अवॉइडिंग, ऑब्जेक्ट फॉलोइंग रोबोट बनाने के लिए, तो हम इसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं हेडर पिन के साथ। और इसमें हमें बार बार सर्किट को चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कुछ हेडर पिंस कनेक्ट किए। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक आईसी दिख रही होगी। ये जो आईसी है ये L239D आईसी मोटर ड्राइवर आईसी है, जिसको हम मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए। और यहाँ पर मैंने दो कनेक्टर यूज़ किए। यहाँ पर हम अपनी जो मोटर है वो कनेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर एक J2 कनेक्टर लगाया है मैंने, जिससे हम पावर सप्लाई देंगे यहाँ पर 12 वोल्ट का। और इस 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर बैक साइड में 7805 वोल्टेज रेगुलेटर कनेक्ट किया है। यहाँ पर मैंने बैक साइड में इसे सोल्डर कर दिया है ताकि मुझे यहाँ पर दिक्कत ना हो कनेक्ट करने में, इसे मैंने इसको बैक साइड में सोल्डर कर दिया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये। और दोस्तों, अगर आप भी इस सर्किट को बनाना चाहते हो तो मैंने इसकी सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आप PCB पर ना ही बनाना चाहते हो तो मैंने जो सिंपल अपना जो सर्किट होता है वो भी दे दिया है। आपको दोनों सर्किट मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप इसे इजीली बना सको। और दोस्तों, अगर आपको इस सर्किट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले इसकी असेंबली कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए MDF बोर्ड, उसके बाद आपको मोटर को कुछ इस तरीके से लगा देना है, फिर आपको दूसरी मोटर को भी लगा देना है हॉट ग्लू या फिर फेविक्विक की हेल्प से। फिर आपको सर्किट ले लेना है, उसको भी डबल साइड टेप या फिर हॉट ग्लू गन से चिपका देना है। फिर आपको बैटरी होल्डर को लगा देना है कुछ इस तरीके से, जो दूसरा बैटरी होल्डर है उसको भी इस तरीके से लगा देना है। फिर आपको लेना है नट और बोल्ट, और उसको भी इस तरीके से लगा देना है। और फिर आपको स्विच लेना है और उसको भी इस पर लगा देना है कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो इनके पोजिशंस को चेंज भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रहा सर्किट डायग्राम जिससे आपको आसानी हो बनाने में। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले नोड एमसीयू ESP8266 को प्रोग्राम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बोर्ड को ले लेना है, उसके बाद आपको चाहिए होगा माइक्रो USB केबल, और फिर आपको इसे अपने नोड एमसीयू के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। फिर आपको USB केबल को अपने लैपटॉप या फिर अपने PC के साथ कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए, ये कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद देखिए, आपको आ जाना है अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। फिर आपको अपना जो आर्डिनो आईडी का सॉफ्टवेयर है इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो कोड है वो शो हो रहा है। और उसके बाद आपको चले जाना है टूल्स में, फिर आपको चले जाना है बोर्ड में, उसके बाद आपको आ जाना है ESP8266 पे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो नोड MCU 1.0, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से आ जाना है टूल्स में, फिर आपको आ जाना है पोर्ट में। फिर यहाँ पर जो मेरा पोर्ट जिसमें मैंने कनेक्ट किया वो COM14 है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, इसे आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो कोड है वो कंपाइल हो रहा है। तो देखिए, हमारा कोड है वो कंपाइल हो रहा है। तो देखिए, जो हमारा कोड है वो कंपाइल हो चुका है।
अब ये अपलोड होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा जो कोड है वो अपलोड हो चुका है। तो देखिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है ESP8266 वाईफाई रोबोट कार। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ऐप मिल जाएगी, फिर आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है इस ऐप को। तो देखिए दोस्तों हमारा जो ऐप है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्लोज पे क्लिक करना है, फिर आपको फिर से यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करना है। तो देखिए जो हमारा ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों आपको नोड एमसीयू को लेना है जिसे हमने अभी प्रोग्राम किया था। उसके बाद आपको इस तरीके से सर्किट के अंदर लगा लेना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक नट बोल्ट के कैप की, और फिर आपको इसको बोल्ट के ऊपर अच्छी तरीके से टाइट करना है जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक व्हील, और इसे भी आपको मोटर के साथ अच्छी तरीके से लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों मैंने इसे लगा लिया। तो चलिए आप हम दूसरे व्हील को भी लगा लेते हैं मोटर के साथ। दोस्तों देखिए इसे भी मैंने लगा लिया है, और आपको इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों हमारी जो कार है वो रेडी हो चुकी है, और इसके बैक साइड पे मैंने कुछ इस तरीके से स्विच लगाया है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही छोटी और बहुत ही क्यूट लग रही है। तो चलिए दोस्तों अब हम सबसे पहले इसमें बैटरी फिट कर लेते हैं। और याद रखिए दोस्तों अगर आप इसे चलाओगे तो आपको बैटरी जो है उसे फुल्ली चार्ज करके रखनी है, या फिर कई बार होता है कि आप जब भी मोटर की स्पीड को जब आप कंट्रोल करते हो तो वो ठीक से वर्क नहीं होता है, इसलिए आपको पहले बैटरी को अच्छी तरीके से चार्ज कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसका टेस्टिंग पार्ट। दोस्तों अब अपनी कार को टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो कार के बैक साइड में जो स्विच लगाया था उसे हमें ऑन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर LED ऑन हो चुकी है। इसके बाद देखिए दोस्तों हमने अपने फ़ोन में जो ऐप इंस्टॉल की थी उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है वाईफाई के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वाईफाई कार 8266, इसे आपको कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों ये कनेक्ट हो चुका है, आपको चले जाना है बैक पे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सभी ऑप्शंस समझा देता हूँ। तो ये बाकी के तो ऑप्शन सिंपल है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये राइट है, अरे लेफ्ट है। और उसके बाद आपको यहाँ पर और दो ऑप्शंस होंगे, इसे आपको डिक्लाइन कर लेना है। जैसे ये हॉर्न का ऑप्शन है, तो इसमें कार में मैंने हॉर्न और जो LED है ये कनेक्ट नहीं की है। ठीक है, मैंने कोड और सर्किट डायग्राम दोनों में इसको मैंने ऐड किया है। अगर आप कार में बस ये दोनों चीज़ को ऐड कर दोगे तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर ये लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब अगर आप फॉरवर्ड को इस ऑप्शन को ऑन करके ऐसे फॉरवर्ड से क्लिक करो जाते फॉरवर्ड पर भी, उसके बाद आपको अगर रुकानी है कार को तो फिर आपको पार्क पे क्लिक कर देना है। और ये स्पीड का ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसे कंट्रोल करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वर्क हो रहा है। तो देखो
देखा दोस्तों आपने कितने अच्छे तरीके से वर्क हो रही है यह कार। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इसे बनाने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आप चाहे तो इसमें मैंने जैसे कि यहाँ पर 2 मोटर का यूज़ किया, आप चाहे तो 4 मोटर का भी यूज़ कर सकते हो। और हर चीज़ मैंने आपको कोड और सर्किट डायग्राम में दे दिए जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। या फिर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। और अगर आप इस कार से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट बाय करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में हर एक कंपोनेंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।